हेलो एंड वेलकम टू स्टडी एंड एंटरटेनमेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एंटरटेनमेंट में। तो फ्रेंड्स, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स की डेट प्रकाशित की जा चुकी है और एग्ज़ाम में बहुत सारा दिन नहीं बचा हुआ है। तैयारी करना है, जम के तैयारी करना है, क्योंकि कट ऑफ हाई जाने वाला है। हर एग्ज़ाम पंचायत सेवक और इंडियन रिजर्व बटालियन के जैसा ही इस एग्ज़ाम में सारे एग्ज़ाम्स, रेडियो इंस्पेक्टर और रेडियो जितना भी स्टाफ था, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम्स के कट ऑफ हाई गए हैं। तो वायरलेस ऑपरेटर जितना भी एग्ज़ाम था, तो सभी के कट ऑफ हाई गए, इसलिए अच्छा मार्क्स आना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने सेट 1 लाया है, VVI फॉर JSSC एक्साइज कॉन्स्टेबल एंड स्पेशल ब्रांच। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन सेट में कितने प्रश्न हैं, कैसे कैसे प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ जो कि JSSC एग्ज़ाम में सम्मिलित होने वाले हैं, JSSC का जिन्होंने फॉर्म भरा है, को सेंड करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक्स। और आगे चलते हैं। ये सेट 1 है, झारखंड GK लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा जिले को चतरा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 2 है, बिरसा मुंडा की सेना के सेनापति कौन थे? तो बिरसा मुंडा की सेनापति गया मुंडा थे। फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा का नाम धरती आबा और भगवान भी कहा जाता है जनजातियों के द्वारा। इसे भगवान का दर्जा दिया गया है। इससे संबंधित और सारे क्वेश्चन हैं। बिरसा मुंडा ही एक ऐसे झारखंड के नेता हैं जिनकी प्रतिमा, जिनका फोटो संसद भवन के हॉल में लगाया गया है। और बिरसा मुंडा का जन्म 1875 ईस्वी में खूंटी के ओलिहातू ग्राम में हुआ था। 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, जेल में हैजिस हो गई थी। 25 साल की उम्र में ही इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातियों की जो भूमिका थी उनका इन्होंने झारखंड में नेतृत्व किया था, इसलिए इनको याद किया जाता है। इनसे संबंधित 15 क्वेश्चन का एक सेट मैंने बनाया है, अपने चैनल पर डाला है। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ ऊपर में आई बटन पे भी मैं उसका लिंक दूंगा, या फिर आप हमारे चैनल पर खुद खोज करके प्लेलिस्ट में, जैसे प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है, झारखंड का कौन सा स्थल 700 पहाड़ियों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो सारंडा को 700 पहाड़ियों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। काफ़ी जंगली इलाका है और नक्सलियों का बेल्ट रहा है। इसे हटाने के लिए सारंडा एक्शन प्लान झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन 4 है, किस जिले को शहीदों का नगर कहा जाता है? तो रांची जिले को शहीदों का नगर कहा जाता है, क्योंकि इस स्थान से बहुत सारे लोग स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए हैं, झारखंड आंदोलन में शहीद हुए। अगला क्वेश्चन 5 है, घंघरी जलप्रपात कहाँ है? तो नेत्रहाट में घंघरी जलप्रपात नेत्रहाट में है। नेत्रहाट को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है और सबसे ठंडा स्थान, सबसे ऊंचा स्थान नेत्रहाट में है। नेत्रहाट में एक नेत्रहाट आवासीय विद्यालय भी है झारखंड सरकार के द्वारा संचालित, और बहुत ही अच्छा मेरिटेरियस स्टूडेंट वहां से पास आउट करते हैं। साथ ही साथ झारखंड पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर भी है जहां भी दारोगा की प्रशिक्षण प्रक्रिया चल रही है। ऐसा भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 6 है, किस जनजाति में नर बलि की प्रथा पाई जाती थी? नर बलि यानी कि मनुष्य की बलि दी जाती थी प्राचीन काल में, बकरे के जगह पर या फिर जानवरों की बलि दी जाती है, उसके जगह पर मनुष्य की बलि दी जाती। तो चीक बड़ाई की एक जनजाति है, उसमें नर बलि की प्रथा पाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो फ्रेंड, झारखंड के प्रथम राज्यपाल का नाम प्रभात कुमार है और प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। भाजपा की तरफ से पहली बार भाजपा की सरकार बनी थी और झारखंड बिहार से अलग 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी, और झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाथों से बने कपड़ों का जनक किस जनजाति को कहा जाता है? तो चीक बड़ाई की जनजाति, जिस जनजाति में नरबलि की प्रथा थी, उसी जनजाति को कपड़ों का जनक, हाथ से बने कपड़ों का जनक, कपड़े बुनने का आविष्कार उन्होंने किया था, चीक बड़ाई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टाना भगत सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन से कब जुड़े? तो टाना भगत सहयोग आंदोलन से 1920-1922 तक जो चला था उसमें सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे। इसके पहले टाना भगत का अपना आंदोलन 1914 से 1919 तक चला था। टाना भगत
की उत्पत्ति उराव जाति से ही हुई है, और एक अलग तरह के संत ये लोग कहलाए और आंदोलन किए थे। इन्होंने अपना आंदोलन टैक्स के विरोध में किया था, कर लगा दिया गया था ब्रिटिश शासन के द्वारा इन लोगों के ऊपर, जनजातियों के ऊपर, उसके विरोध में इन लोगों ने आंदोलन किया था। इनका इनका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। अगला क्वेश्चन से, संथाली किस परिवार की भाषा है? तो संथाली ऑस्ट्रिक परिवार, ऑस्ट्रिक या मुंडा भाषा परिवार की भाषा है। उससे अगला क्वेश्चन से, 11, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा कि कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, जिस प्रकार से संघ यानी कि भारत देश की प्रधान राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की राज्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? रियलिटी में, रियल में, जिस प्रकार से रियल में प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और शो के लिए, एक दिखावे के लिए, एक विधि के द्वारा लिखित रूप से राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री ही वास्तविक प्रधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मुख्यमंत्री होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुगल काल में झारखंड प्रदेश को क्या कहा गया? तो फ्रेंड्स मुगल काल में झारखंड प्रदेश को खुखरा या कुकरा कहा गया। खुखरा, कुकरा, अलग अलग काल में और अलग अलग लेखकों इतिहासकारों द्वारा झारखंड का अलग अलग नाम दिया गया, तो इस प्रकार से मुगल काल में झारखंड को खुखरा या कुकरा कहा गया। 14 है, पालकोट अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो पालकोट अभयारण्य गुमला में स्थित है। 15 क्वेश्चन, 15 है, झारखंड के बीमल लकड़ा का संबंध किस खेल से है? तो बीमल लकड़ा हॉकी के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। इस प्रकार से मैंने 15 क्वेश्चंस को कवर किया है इस वीडियो में, जो कि सारे क्वेश्चंस लगभग इम्पोर्टेंट हैं और आ सकते हैं उत्पाद सिपाही और स्पेशल ब्रांच कॉन्स्टेबल के एग्जाम में, क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से हम अपने चैनल पर लगातार सेट्स लाएंगे और टेस्ट की व्यवस्था भी करेंगे, टेस्ट भी लेंगे लाइव, तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।